खबर आप। बिहार के समस्तीपुर जिले के रोहसरा शहर स्थित सुप्रसिद्ध मंदिर बाबा गंडकीनाथ में तीसरी सोमवारी पर भी श्रद्धालुओं की अपार भीड़ देखने को मिली। रोहसरा के बाबा गंडकीनाथ मंदिर में सावन का पहली सोमवारी से काफ़ी संख्या में शिव भक्त भगवान शंकर के शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए पहुंचे और आज सावन महीने की तीसरी सोमवारी है और यहाँ पर आज भी काफ़ी संख्या में भक्त पहुँचे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से भक्त भगवान शंकर को जल अभिषेक कर रहे हैं। मंदिर में शहर के आसपास के सैकड़ों लोग भोले बाबा की झांकी के साथ नाचते गाते भी नजर आए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि महिलाएं हो या बच्चे या कांवड़िए सभी लोग यहां पर पहुंचकर भगवान शंकर को जल अभिषेक करें। आज का दिन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज सावन की तीसरी सोमवारी के साथ साथ नाग पंचमी है। देश भर में नाग पंचमी भी मनाई जा रही है और उसको लेकर भी श्रद्धालु भगवान भोले के मंदिर में नजर आए। सुबह से मंदिरों में भगवान भोले का जल अभिषेक करने के लिए भक्त पहुंच रहे हैं और सुबह से ही भक्तों का तांता मंदिर में भी देखने को मिल रहा है। विशेषता है कि बाबा के बारे में लोग जानते हैं कि बाबा पल पल यहाँ कुछ न कुछ ऐसा होता है कि लोग आस्था से जुड़ जाते हैं और सबसे बड़ी बात है कि कोई भी आदमी यहाँ कुछ मांगता है उसकी मन्नत पूरी होती है। तो हम लोग देख रहे हैं कि पूछते भी है भक्त से कि आप लोग अचानक ना तो नहीं, हमने जो मन में ठाना था वो बाबा गंडकीनाथ धाम में पूरा हुआ है और जिसके कारण बाबा गंडकीनाथ धाम में ये सैलाब देखे एक उबर पड़ा है और 2-3 साल से तो लगातार भीड़ बढ़ती ही जा रही है। आगे मुझे लगता है इसकी व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करने के लिए उच्च स्तरीय रूप से बातचीत भी पदाधिकारियों को करना चाहिए। जिस तरह की भीड़ बन रही है बाबा गंडकीनाथ धाम गोलाघाट घोसरा। क्या नाम हो आपका? मैं इस मंदिर का अध्यक्ष हूँ, मनीष सहनी मेरा नाम है। मंदिर के अंदर तो भीड़ है ही है, साथ ही साथ मंदिर के बाहर भी आप देख सकते हैं कि भक्तों की भीड़ है और मेले का आकर्षण भी यहां पर बना हुआ है जिसकी वजह से भी लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। आर सोनी न्यूज के लिए आप देख रहे हैं आशुतोष पाठक के साथ राजेंद्र ठाकुर की खबर, आप समस्तीपुर रोसड़ा से देख रहे हैं।